अस्सलामु अलैकुम। उर्दू साइंस डीप थिंकर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डीप थिंकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको। गर्मी हो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स ना हो तो मज़ा कहाँ। यकीनन ये जुमला आप हर किसी की जुबान से तो सुनते होंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई कोल्ड ड्रिंक्स के बिना हमारी लाइफ अधूरी है? इस वीडियो में मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स या कोका कोला के बारे में बताऊंगा, जिसकी असलियत से हर कोई नाखबर रहता है। सबसे पहले अगर कोल्ड ड्रिंक्स के बनने पर बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स या कोका कोला को बुनियादी तौर पर कई अज्जा से बनाया जाता है, जिसमें चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, कैफीन, पेंटोज और मुख्तलिफ केमिकल डाले जाते हैं। आपने शायद बोतल खोलने से अपने कपड़े ज़रूर गंदे किए होंगे, जिसका बुनियादी जूस इसमें मौजूद मेंटोज जब डाला जाता है तो ये जल्द ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बबल बनना शुरू करता है, जिससे फुहारा बनता है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक खतरनाक गैस है, जिस्म के अंदर जाने पर ये काफ़ी नुकसान देता है। 2 लीटर बोतल में तकरीबन 15 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके नुकसान आप खुद जानते हैं, वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत से लोग अपने अफवाह या अपने साइंस की बुनियाद पर कोल्ड ड्रिंक्स को अपने लिए सेहतमंद करार देते हैं, पहले उसी का जवाब देते हैं। बाद लोग ये बात करते हैं कि ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन हमें खुशी का एहसास दिलाता है। ये जुमला खसूसन आप स्ट्रेंग पीने वाले हजरात से सुनते होंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें कैफीन होता है। ये हजरात अपने साइंस की बुनियाद पर ये कहते हैं कि कैफीन जिस्म में खुशी के हार्मोन फैला करते हैं, लेकिन हकीकत में खुशी जिस्म में मौजूद डोपामाइन नामी हार्मोन से आती है। हकीकी साइंस में कैफीन इस हारमोन की रीअब्जॉर्प्शन को बंद करता है, लेकिन इसके साथ आपके दिमाग के कई हिस्सों को नुकसान भी देता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपको चर्स या हीरोइन से नशा होता है। अगर कैफीन को मुनासिब मकदार में लिया जाए तो ये आपके पेशाब को ज़्यादा बाहर निकालने में मदद देता है। इसके साथ आपके बर्दाश्त लेवल को भी बढ़ा देते हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर ये ज़्यादा चीनी खाना सेहत के लिए अच्छा है। चूँकि ड्रिंक्स में चीनी भी डाली जाती है तो इसी बुनियाद पर पास लोग चीनी को सेहत से वाबस्ता करते हैं। एक नॉर्मल ड्रिंक्स की बोतल में तकरीबन 33 ग्राम या ज़्यादा चीनी या 10 चाय के चम्मच चीनी डाली जाती है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा है। इसकी जिस्म को इतना ज़रूरत नहीं है। WHO के स्टडी के मुताबिक सिर्फ 5% ड्रिंक्स पियोगे तो आपको उल्टियाँ नहीं आएगी, क्योंकि सफ़र के दौरान बास लोग बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करती है। इसी दौरान उसको ज़्यादातर ड्रिंक्स रिकमेंड की जाती है ताकि उल्टियाँ बंद हो जाए। ये बात बिल्कुल गलत है। तेजाबी कारों से उल्टियाँ बंद तो नहीं होती, मगर ये तेजाबी खुराक अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपके दांत ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और ज़्यादातर ड्रिंक्स में तो फास्फोरिक एसिड डाला जाता है। ये तो आपके दांत बिल्कुल ज़्यादा ख़राब करता है, क्योंकि एक तेज़ जो ये लोग फैलाते हैं वो ये कि ड्रिंक्स पीने से जिस्म में चर्बी ख़त्म हो जाती है, जिससे इंसुलिन पैदा होते हैं। ड्रिंक्स पीने का शौकीन ये बात बहुत ज़्यादा फख्र से करते हैं कि मीठे चीज़ों से या ड्रिंक्स से चर्बी ख़त्म होती है, जिससे इंसुलिन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन हकीकत में इस तरह की बातों का साइंस में कोई हल। ड्रिंक्स के नुकसान को थोड़ी वजाहत से बयान की जाए तो जिसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एक ख़तरनाक गैस है, जिस्म के अंदर जाने पर ये बहुत से मसाइल जैसे सांस में दुश्वारी, आस्थमा वगैरह के मसाइल पैदा करते हैं। बाज ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड भी डाला जाता है, जो कि ख़तरनाक तेजाब है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल पर आपके दांत और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, ज़्यादातर इससे दांत ख़राब होते हैं। इस तरह हमने कहा कि बाज ड्रिंक्स में कैफीन भी डाला जाता है, इसके नामनासिब इस्तेमाल पर आपके दिमाग के बहुत से ख़राब।